ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास वीवो वाई 17 फ़ोन आया है। वो फ़ोन ऑन कंडीशन में है, लेकिन उसमें डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। उस बंदे ने मेरे को बताया कि उसने एक दो शॉप पे दिखाया था, तो यहाँ पे उसकी शील्ड पहले से ही निकली हुई है, हमने इसकी शील्ड को नहीं निकाला है। तो आप गौर से देखिए, इसकी ग्राफिक्स आ रही है, मैं आपको फिर से दिखाई दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे, तो इसकी ग्राफिक्स आ रही है, डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। तो इस तरीके की इस फ़ोन में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर लाइट सेक्शन का जो बूस्ट कॉल है वो भी मेरे को यहाँ पर टूटा हुआ दिखता है। तो ये बूस्ट कॉल तो अभी सही कंडीशन है इसकी दिख रही है, हमने इसको चेक किया था तो बीप आ रही है, उसकी बूस्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी हमारे फ़ोन में डिस्प्ले लाइट क्यों नहीं आ रही है, हम आपको सही से ट्रेसिंग दिखाएंगे, हम स्केमेटिक का यूज़ करेंगे कि हमारी कहाँ इसकी प्रॉब्लम है, हम इसकी लाइट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपकी डेली लाते रहेंगे। तो अभी हम कैमरा को थोड़ा साइड में रख देते हैं और आपको सबसे पहले हम आपको बोर्ड को चेक करवा देते हैं। देखिए बोर्ड की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर भी ख़राब भी दिखता है थोड़ा बहुत, और पीछे की साइड देखिए वहाँ पे भी हमारी BQIC है, वहाँ पे भी इसकी शील्ड निकली हुई है और प्रिंट भी डैमेज है। तो हम आपको सही से सबसे पहले हम स्केमेटिक की तरफ चलते हैं, और स्केमेटिक में हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे कि इसकी कहाँ तक इसकी सप्लाई आनी चाहिए, कहाँ आ रही है। तो देखिए अभी हमारा ये लाइट सेक्शन हो चुका है, और देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर की पिन PWM आउट, यहाँ पे भी हमें इसकी रीडिंग आनी चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे कनेक्टर पे भी। और सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं VPH की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे हमारी BQIC के बाद हमारा कैपेसिटर कॉइल्स है, बूस्ट कॉइल है, यहाँ हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे। VPH हमारे 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज की सप्लाई आनी चाहिए, और ये लाइन को हम ट्रेस करेंगे। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन बूस्ट कॉइल है, वहाँ हमें ये डायोड पे इसकी सप्लाई वोल्टेज मिलनी चाहिए, यहाँ इसकी सप्लाई आ रही है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे और ये कैपेसिटर पे चेक करेंगे। और देखिए अभी हमने जो आपको डायग्राम में सब कुछ बता दिया है कि हम इसकी सप्लाई कहाँ तक इसकी चेक करेंगे। तो अभी हम फ़ोन को यहाँ पर ऑन करते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमने एक प्रूफ को ग्राउंड रखा है, और यहाँ पे देखिए 3.6 वोल्टेज आ रही है, मतलब कि ओके है। तो हमने डायग्राम आपको स्पीड में दिखाया, क्योंकि मैं आपको और भी सही से दिखाना चाहता था, लेकिन कल की वीडियो मैंने देख लिया, आप कोई डायग्राम वाली वीडियो पसंद ही नहीं करते हो, इसकी वजह से मैंने डायग्राम आपको डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा शॉर्ट में ही दिखा दिया, क्योंकि हमने कल वीडियो डाली थी 700 व्यूज ही आए। बोलो बताओ क्या फ़ायदा है इतनी डायग्राम की वीडियो डालने का। तो अब मेरे को डायग्राम के बारे में भी मत बोलना, ऐसी वीडियो नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सप्लाई यहाँ तक हमने चेक की, हमारी BQIC से हमारी सप्लाई आ रही है, ओके है। और अब हम ये वाली साइड पे हम चेक करेंगे कि यहाँ हमारी कोई सप्लाई मिसिंग है कि क्या प्रॉब्लम है। हम इसकी कनेक्टर इसका थोड़ा ख़राब है, इसकी वजह से हम इसको थोड़ा प्रेस करते हैं और फिर से हम फ़ोन को ऑन करते हैं और सप्लाई को चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर भी इसकी बोर्ड पे रखेंगे और चेक करेंगे। हमारी सबसे पहले देखिए ये वाली बूस्ट कॉइल की तरफ हमारी सप्लाई आनी चाहिए, यहाँ पे हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, 3.7 वोल्टेज आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 3.7 वोल्टेज आ रही है, और यहाँ पे आगे भी हमने आपको दिखाया था डायग्राम में, आप देख लेना, यहाँ पे भी हमारी 3.7 वोल्टेज की तरफ हमारी सप्लाई आनी चाहिए, वो सप्लाई को हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमारी वोल्टेज आ रही है, 5 वोल्टेज के आसपास हमारी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे भी सप्लाई हमारी ओके है। हम इस साइड चेक करते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों हमारी सप्लाई ओके आ रही है, और यहाँ पे कनेक्टर पे हम चेक करते हैं, 1.7 वोल्टेज आनी चाहिए, VIO वोल्टेज दोस्तों, PMW वोल्टेज देखिए वो भी हमारी सप्लाई ओके आ रही है। और यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रूफ थोड़ा सही से नहीं लगा है, तो हमारी जो कनेक्टर पे वोल्टेज आ रही है, हमारी वोल्टेज जो हमारी मिलनी चाहिए वो सभी सप्लाई हमारी आ रही है, फिर भी हमारी डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी दोनों बूस्ट कॉइल है यहाँ पे देखिए, बूस्ट कॉइल को हम एक बार चेक करेंगे, और उसके बाद देखिए हमारे कनेक्टर पे हमने आपको बताया था 5 नंबर की पिन पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए, और
लास्ट में हमारी वन या टू पे भी हमारी रीडिंग आनी चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे। देखिए पाँच नंबर की हमारी पिन है, यहाँ पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमारी रीडिंग आ रही है, और लास्ट की पिन है दोस्तों यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी देखिए रीडिंग आ रही है, दोनों प्रूफ हो जाता है इसकी वजह से। तो हमारी सप्लाई भी ओके आ रही है, फिर भी हमारी ये लाइट की प्रॉब्लम है, तो कहाँ हो सकती है। तो उस केस में दोस्तों आपकी सभी रीडिंग ओके आ रही है, बूस्ट कॉइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, तो आपको एक बार अपनी जो ड्राइवर आईसी है, यहाँ पे देखिए ड्राइवर आईसी को आपको एक बार रिबॉल करना है, या फिर आपको इसको थोड़ा पेस्ट देके इसको थोड़ा मूवमेंट करवाना है, और ऐसा लगे तो आपको बूस्ट कॉइल को चेंज करना है। आपकी सभी सप्लाई ओके आ रही है, उसके बाद लाइट ना आए तो ही बात कर रहा हूँ। मिसिंग कोई भी लाइन होगी तो आपको उसको मैंने डायग्राम दिखाया है, उस तरीके से आपको ट्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बूस्ट कॉइल की रीडिंग भी ओके आ रही है, हमने इसको 200 ओम पे चेक किया, फिर भी हमारी सही रीडिंग आ रही है। तो भी हम एक बार क्या करेंगे, हमारे ड्राइवर आईसी को हम थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद इसको थोड़ा मूवमेंट करवाएंगे, और हमारी बूस्ट कॉइल को भी हम एक बार निकालेंगे, निकाल के हम चेक करेंगे कि हमारी बूस्ट कॉइल की रीडिंग सही आ रही है कि नहीं। अभी हमने बोर्ड में चेक किया है, उसके बाद हम कॉइल्स को बाहर निकाल के चेक करते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे इसकी सभी कंपोनेंट्स को भी चेक कर लिया, कोई भी हमारा शॉर्ट नहीं आ रहा है। तो अब हम वीडियो को थोड़ा स्पीड करते हैं और बूस्ट कॉइल को एक बार हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद उसकी सप्लाई चेक करेंगे, ड्राइवर आईसी के ऊपर हम थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद उसको थोड़ा मूवमेंट करवाएंगे और देखेंगे आगे। तो बूस्ट कॉइल हमारा टूटा हुआ ही है पहले से ही, फिर भी हमारा सही कॉइल से, इसकी वजह से हम इसको चेंज नहीं करते, हम फिर से वही लगाएंगे, क्योंकि चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम इसको एक बार रिबॉल कर लेते हैं, और हमने ड्राइवर आईसी को भी रिबॉल कर दिया है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, हमारी कंटिन्यूटी ओके आ रही है, मल्टीमीटर थोड़ा साइड में है, यहाँ पे दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। तो देखिए हम इसको फिर से कॉइल्स को लगाते हैं और आपको चेक करवाएंगे। तो आप लोगों की यह भी कमेंट होगी कि आपने कुछ इतना ही किया, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर अभी हमने बूस्ट कॉइल को चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तो हमें पीएमआई या फिर सीपीयू को तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइन यहाँ के मिसिंग हो सकती है, तो वहाँ हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये फ़ोन गिरा होगा, इसकी वजह से इसकी बॉल्स की कनेक्शन लूज़ हो गई होगी, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं हम, तो पहले किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे सील वील निकाल दिया है, कुछ देखा नहीं होगा सही से, सीधा ही सब कंपोनेंट्स को देख लिए, सब सील को निकाल दिया था पहले। तो देखिए हमने इसको ऑन किया, हमारे ग्राफिक्स यहाँ पर देखिए लाइट आ चुकी है। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब यही था कि हमारे फ़ोन में कुछ और प्रॉब्लम ही नहीं था, फ़ोन गिरा हुआ होगा और इसकी ड्राइवर आईसी की बॉल्स लूज़ हो गई होगी, इसकी वजह से हमने इसको थोड़ा पेस्ट मारा सही से, इसको मूवमेंट करवाया, हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। तो ये जो सब स्टील निकली, जो इसकी बॉर्डर पहले से निकली हुई थी, BQIC की तरफ भी किसी ने काम कर दिया था। तो यार मैंने आपको सही से समझाया कि आपके पास भी कोई फ़ोन आएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, सीधी कोई भी आईसी को निकालना नहीं है। अगर ऐसा लगे तो आपको थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद हीट को कम रख के आपको एक बार उसको चेक करना है सही से। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, हमारी लाइट भी आ चुकी है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।